हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से गाइस आप क्लाउड फ्लेयर का यूज करके फ्री में SSL अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे यूजर्स ने यार पूछा था कि भाई किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी सा मेथड बताओ। तो यार ये बिल्कुल ईजी सा मेथड है, बहुत ही आसानी से यार आप अपनी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट को आप इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जल्दी देखो SSL आप मतलब ये परचेस भी कर सकते हो, लेकिन आप परचेस करने जाओगे तो वहाँ पर आपको 1000 से 1500 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो यार मुझे नहीं लगता आपको वो पैसे देने चाहिए, उससे बेटर है यार आप उतने प्राइस में यार एक अच्छा सा डोमेन आप परचेज कर लोगे और उस पर एक नई वेबसाइट भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को यार आप फ्री में क्लाउड फ्लेयर के थ्रू यूज़ कर सकते हो। और मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि यार आप क्लाउड फ्लेयर का ही यूज़ करो SSL सर्टिफिकेट को अपनी वेबसाइट पे एक्टिवेट करने के लिए। तो यार ये किस तरह से करना है आज की वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बिल्कुल इजी स्टेप्स में बताऊंगा। तो स्टेप्स आप फॉलो करना, 101% आपकी वेबसाइट पे जो SSL का सिंबल है गाइस, जो लॉक का साइन होता है, वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपने होस्टिंग के मतलब कि बैकएंड में आ जाना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं होस्टिंगर का होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप मतलब कि किसी और का भी होस्टिंग अगर यूज़ कर रहे होंगे तो सेम एज आपको बैकएंड में आ जाना है। और अगर गाइस आपको मतलब कि काफ़ी चीप प्राइस में एक अच्छा सा वेब होस्टिंग चाहिए तो मैं भी गाइस आपको होस्टिंगर ही रिकमेंड करूँगा। अभी जनरली दिवाली का सेल चल रहा है तो बेस्ट ऑफर है यार आपके लिए। यहाँ पर आप होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर आपको डोमेन प्लस SSL सर्टिफिकेट बिल्कुल 100% फ्री में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको टोटल 3 प्लान्स दिखाई देंगे। तो जो मेरा रिकमेंडेशन होगा गाइस वो बीच वाला, ये बेस्ट वैल्यू जो प्लान है ये काफी अच्छा है गाइस, मैं खुद इसे यूज करता हूं। यहां पे आपको 100 वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं, प्लस यहां पे और भी काफी अच्छे अमेजिंग फीचर्स आपको मिल जाते हैं और डोमेन एंड SSL का भी सपोर्ट आपको इस पर्टिकुलर प्लान में फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन आपको सिंपली क्या करना है गाइस, सबसे पहले यहां पे आ जाना है, उसके बाद आपने अपने डोमेन को यहां पे ऐड कर लेना है। जैसे apkmodemaster.in मैंने ऐड कर रखा है और इसे मैंने GoDaddy से बाय किया था और अक्सर लोग यार GoDaddy से ही बाय करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे आप डोमेन ऐड करेंगे फिर नीचे आना है आपको और यहां पे आपको कुछ नेम सर्विस दिखाई देगा, DNS दिखाई देगा इस पर्टिकुलर डोमेन का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस DNS को जहां से भी आपने डोमेन बाय किया ना उसके साथ रिप्लेस करना है। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, उसके बाद आप चले जाना है, जैसे आपने GoDaddy से बाय किया तो GoDaddy पे आ जाना है और अपने पर्टिकुलर डोमेन को सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसके नेम सर्वर में आना है, DNS में आना है। और यहां पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने रिप्लेस कर रखा है पहले से, यहां पे जो ये होस्टिंगर का डोमेन था इसे मैंने यहां से उठाया और अपने GoDaddy के डोमेन में नेम सर्वर में इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, ये बेसिक से प्रोसेस है, लेकिन फिर भी अगर आपको इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना, इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, फिर भी मैं जस्ट एक रिमाइंड आपको दे रहा हूँ यार कि आप इस तरह से ये चीज़ें करनी, क्योंकि ये स्टार्टिंग प्रोसेस है यार, इसी के थ्रू आप फिर SSL आगे चल के इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ें आपने कर लेनी, उसके बाद जैसे आपका जो डोमेन है गाइस वो आपके होस्टिंग के साथ लिंक हो जाता है और ये मे बी गाइस आपको 1 से 2 घंटे में आपका जो डोमेन है DNS है गाइस सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा और आपका जो डोमेन है वो आपके होस्टिंगर के साथ मतलब कि होस्टिंग के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नीचे आना है इसी डैशबोर्ड में, इस डोमेन को सेलेक्ट करते हुए नीचे आना है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है ऑटो इंस्टॉल का, फिर इस पे क्लिक करते हुए आपने अपने वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। बिल्कुल ईजी सा स्टेप है और ये स्टेप यार मैंने अपने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है। ठीक है, तो बाकी इसकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, तो यहाँ पे मैं आपको डीप में नहीं बता रहा क्योंकि यार वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मेरा जो टॉपिक है गाइस वो है कि SSL किस तरह से इंस्टॉल करना फ्री में। तो ये कुछ प्रोसेस था, बेसिक प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने कर लेना है। उसके बाद अब बात आती है गाइस, जैसे आप अपने डोमेन को एक्सेस करोगे जैसे apkmodemaster को, तो आपको फर्स्ट टाइम वो जो डोमेन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहाँ पर टॉप पर आपको दिखाई देगा नॉट सिक्योर। इसका मतलब ये है कि अभी हमारे डोमेन पर जो SSL सर्टिफिकेट है वो एक्टिवेट नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से आपको एक्टिवेट करना है। तो उस यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं क्लाउड फ्लेयर का, जिसके थ्रू हम फ्री में SSL सर्टिफिकेट को एक्टिवेट कर पाएंगे। उसके लिए आपको चले जाना है क्लाउड फ्लेयर के अकाउंट पे। तो आपने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी से लॉग इन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉग इन कर रखा है और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ वेबसाइट्स को मैंने क्लाउड फ्लेयर पर डाला हुआ, हालांकि यार मैं सभी वेबसाइट्स को क्लाउड फ्लेयर के थ्रू कनेक्ट करके रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर सिक्योरिटी रीजन यार मैं आपको डोमेन नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, तो अब बात लेते किस तरह से आपको यहां पे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को ऐड करने के लिए यहां पे ऐड अ साइट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहां पे इस तरह से इंटरफेस आपको आएगा, उसके बाद यहां पे एंटर योर साइट। ठीक है, तो आपने यहां पे अपना साइट का नाम डाला है।
तो यहाँ पे जो हमारी साइट थी गाइस वो थी apkmodemaster.in, तो इसे हम यहाँ से कर लेते कॉपी। उसके बाद वापस से हम चले जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सिंपली हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देना, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये http कॉलन और ये स्लैश है ना, इसे आपने यहाँ से हटा देना, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल पे दिया हुआ है आपको किस तरह से ये कनेक्ट करना है। देखो जस्ट आपको अपना डोमेन लिखना है, उसके बाद ये स्लैश वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड देन सिंपली आपको ऐड साइट पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो साइट है ना गाइस वो क्लाउड फ्लेयर पे ऐड हो जाएगा, और इसे भी यहाँ का भी DNS हमें उठा करके हमें अपने GoDaddy के DNS से रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे अभी गाइस हमने अपने होस्टिंग का DNS को अपने डोमेन के साथ रिप्लेस किया था, ठीक है। तो सेम एज उसी तरीके से आपको करना है। तो आपको नीचे आना है, इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे देखो पेड प्लान भी आपको मिल जाता है, लेकिन इसके साथ जाने की जरूरत नहीं। नीचे आना और यहाँ पे आपको देखो फ्री, ठीक है, $0 आपको पे करना है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ये अगली प्रोसेस पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे हमें DNS को अब रिप्लेस करना है अपने, जहाँ से हमने डोमेन को बाय किया था, ठीक है, जैसे हमने अभी होस्टिंग के साथ किया था। तो इसी तरह से आपको यहाँ का भी DNS को अपडेट कर लेना है। देखो यार वीडियो लंबी हो रही है, अगर आपको अच्छे से जाना है यार तो इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप जब कनेक्ट करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते गाइस देखो यहाँ पे आपको 2 DNS मिल गया है क्लाउड फ्लेयर का, जिसे आपने अपने GoDaddy के DNS के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो DNS है गाइस क्लाउड फ्लेयर का, इसे हम यहाँ से करते हैं कॉपी। उसके बाद चले जाते हैं अपने हम GoDaddy में, ठीक है, और यहाँ पे हम चेंज पे क्लिक करते हैं। देन चेंज पे क्लिक करते गाइस यहाँ पे हम अपना जो पहला DNS है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते। उसके बाद वापस से हम जाते हैं अपने क्लाउड फ्लेयर में, ये दूसरा वाला भी कॉपी कर लेते, फिर वापस आते और यहाँ पे इस तरह से इसे पेस्ट कर देते, ठीक है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस जस्ट चेक पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करते हुए गाइस यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे गाइस हमने DNS को यहाँ पे सबमिट कर दिया। उसके बाद गाइस मतलब कि लगभग यार 1 से 2 घंटे में या फिर इंस्टेंट भी आपका जो DNS है गाइस वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही आपका डोमेन यहाँ पे ऐड हो जाता है, और अभी यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे जो नेम सर्वर गाइस वो पेंडिंग यहाँ पे शो हो रहा है, ये थोड़ी देर में मतलब कि 1 से 2 घंटे या आधे घंटे के आसपास गाइस आपका जो नेम सर्वर सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस डोमेन पे क्लिक करना है। देन डोमेन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है SSL का, इस मतलब कि लॉक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गाइस देखो यहाँ पे ये जो फ्लेक्सिबल का ऑप्शन है इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसे सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई देता है एज सर्टिफिकेट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ऑलवेज यूज https, ठीक है, इसे भी आपने यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर ये आपका ऑन होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे एक्टिवेट का स्टेटस आना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सारे कुछ हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में आना है, ठीक है। तो इस तरह से अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में आना और यहाँ पे प्लगइन पे जाना है। तो यहाँ पे प्लगइन पे जाकर के एक प्लगइन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिंपल SSL, ठीक है। तो जब मैं आपको वो प्लगइन दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रियली सिंपल SSL, ठीक है। तो बस आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिव कर देना। उसके बाद इसके सेटिंग में भी कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं कर देना है। उसके बाद जैसे ही गाइस आपका DNS अपडेट हो जाता है ना, देन सक्सेसफुली जो आपका SSL सर्टिफिकेट है वो आपके वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपके भी वेबसाइट में फिर ये जो लॉक का साइन है ये आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप काफी सिंपल तरीके से गाइस आप अपने डोमेन पे क्लाउड फ्लेयर की मदद से SSL सर्टिफिकेट को आप एक्टिव कर सकते हो। देन आई होप गाइस आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।